शुगर कट डाउन चैलेंज करना है। अब आप कहेंगे कि शुगर तो होते ही हमने जो है वो चीनी खाना बंद कर दी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आज भी खा रहे हैं जिसके अंदर मौजूद है मिठास। तो सबसे पहले तो आपने चीनी को समझना है कि चीनी जो है वो हमारी कुछ चीज़ें हैं जो कि नेचुरली जिनके अंदर शुगर मौजूद है, और कुछ चीज़ें हैं जो कि एडिड शुगर हैं, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है वो रिफाइनिंग प्रोसेस के तहत जो है उसके अंदर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है और उसके अंदर कुदरती मिठास डेवलप होती है। 30 दिन में आपने कौन कौन सी चीनी इस्तेमाल नहीं करनी। नंबर वन, रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक्दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, डॉक्टर सानिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन गुजारने की कोशिशों में हर कोई लगा हुआ होता है, और कोई फाइनेंशियली अपने आप को बेहतर बना रहा है, कोई हेल्थ वाइज अपने आप को बेहतर बना रहा है। तो ज़िंदगी है, और यकीनन ज़िंदगी अल्लाह ताला की अमानत है, और हमें इसे बेहतर से बेहतरीन गुजारने की कोशिशों में लगे रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये टॉपिक जो है वो इसलिए चूज़ किया गया है कि हमारे पास बहुत सारे लोग इसलिए परेशान होकर आते हैं कि डॉक्टर साहिबा बड़े अरसे से शुगर है, बहुत कुछ कर लिया, कंट्रोल नहीं हो रही है। शुगर के कंट्रोल ना होने के पीछे हम बहुत सारी वजूहात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपको एक चैलेंज देते हैं, तो वो तमाम लोग जिनकी शुगर अभी भी कंट्रोल नहीं होती, निहार मुँह की शुगर बढ़ी हुई है, रैंडम शुगर बढ़ी हुई है, HbA1c यानी कि 3 महीने की शुगर बहुत ज़्यादा आती है, आज इस वीडियो के थ्रू हम आपको एक चैलेंज देते हैं कि आपने 30 दिन तक मीठा नहीं खाना। लेकिन भला वो कौन सा मीठा है जो नहीं खाना, और कौन सा मीठा आपने छोड़ा हुआ है जो कि गलत किया है, कौन सा मीठा आपको एक्चुअली छोड़ना है और कौन सा मीठा आपको नहीं छोड़ना है। 30 दिन का चैलेंज आपको देने लगी हूँ, आज से हम स्टार्ट करते हैं, और मेरी वीडियो को देखें और चैलेंज को आज से स्टार्ट करें, और इस 30 दिन के अंदर आपने शुगर कट डाउन चैलेंज करना है। अब आप कहेंगे कि शुगर तो होते ही हमने जो है वो चीनी खाना बंद कर दी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आज भी खा रहे हैं जिसके अंदर मौजूद है मिठास, वो मिठास जो आपको अंदर ही अंदर आपकी शुगर को कंट्रोल नहीं होने दे रहा, अंदर ही अंदर आपके वज़न को कंट्रोल नहीं होने दे रहा। तो हमने उन तमाम शुगर्स को कट डाउन करना है, और क्या खाना है और क्या नहीं खाना है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। 30 डेज शुगर कट डाउन चैलेंज में क्या फ़ायदा होगा और कैसे करना है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन है जिनकी शुगर इस वक्त कंट्रोल नहीं है, बहुत कुछ कर लिया लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं है। अगर आप या आपके जो भी हैं वीडियो उन तक शेयर कीजिए, 30 डेज चैलेंज, इंशाल्लाह ताला सबकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों का एक सवाल जो मुझे हमेशा मिलता है, और लोग मुझे टेलीफोन करके, हमारी टीम को व्हाट्सएप करके बारहा एक सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर सानिया बशीर से हम कहाँ मिल सकते हैं। मेरा क्लिनिक कराची और हैदराबाद में मौजूद है, और इसके अलावा पूरी दुनिया, पाकिस्तान का कोई भी कोना हो या दुनिया का कोई भी कोना है, अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, रابطہ करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे رابطہ कीजिए, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से डायरेक्ट अपना رابطہ जो है वो डायबिटीज़ टेलीकेयर के साथ जोड़ लीजिए, رابطہ डॉक्टर सानिया बशीर से जोड़ लीजिए, और अपनी शुगर को कंट्रोल करने के हवाले से जो भी सवालात आपके जहन में हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप उनसे رابطہ कर सकते हैं। बैक टू द टॉपिक कि हम बात कर रहे हैं 30 दिन का चैलेंज है, उस 30 दिन के चैलेंज में हमने शुगर को कट डाउन करना है। भला वो कौन सी शुगर है जिसको कट डाउन करना है, और नंबर टू हमने उससे क्या फ़ायदा उठाना है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं। शुगर का मरीज शुगर के होते ही सबसे पहले अपनी चीनी बंद करता है, चाय फीकी पीता है, कॉफ़ी फीकी पीता है, हर चीज़ में चीनी डालना बंद कर देता है, बेहतरीन चीज़ है। तो सबसे पहले तो आपने चीनी को समझना है कि चीनी जो है वो हमारी कुछ चीज़ें हैं जो कि नेचुरली जिनके अंदर शुगर मौजूद है, और कुछ चीज़ें हैं जो कि एडिड शुगर हैं, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है वो रिफाइनिंग प्रोसेस के तहत जो है उसके अंदर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है और उसके अंदर कुदरती मिठास डेवलप होती है।
30 दिन में आपने कौन कौन सी चीनी इस्तेमाल नहीं करनी। नंबर 1 सफ़ेद चीनी, नंबर 2 ब्राउन चीनी, नंबर 3 गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना, नंबर 4 मिश्री नहीं खानी, नंबर 5 शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना, नंबर 6 मैदे का इस्तेमाल नहीं करना, मैदे का आटा बहुत मिठास है, बहुत चीनी है। नंबर 7 रिफाइंड आपने जो है वो कोई भी आटा इस्तेमाल रिफाइंड वाला नहीं करना है। नंबर 8 आपने जौ का दलिया इंस्टेंट वाला इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 9 मैगी पास्ता चाइनीज़ आइटम में तमाम में आपके चीनी मिली हुई होती है, आपने उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। वो फल नहीं खाने हैं जिन जो कि कैन में मिलते हैं और कैन के अंदर उसका जूस मौजूद होता है, आपने वो जूस इस्तेमाल नहीं करना है। ये तो हो गई 10 चीज़ें। इसके अलावा 11वीं चीज़ जो आपने शुगर के कट डाउन में इस्तेमाल जो जिन चीज़ों से आपने बिल्कुल परहेज़ कर लेना है, नाता तोड़ देना है, वो है फलों के जूस और शेक। इनके अंदर भी कुदरती फलों के जब जूस आप बनाते हैं तो कुदरती मिठास बन जाती है, आपने इसको कट डाउन करना है। चीनी को बंद करना है तो चीनी से बनी हुई चीज़ें आइसक्रीम भी नहीं खानी है आपने। आपने किसी भी फ्लेवर मिल्क या फ्लेवर्ड योगर्ट यानी कि जो जायके वाली दही मिलती है फ्लेवर वाली और जो फ्लेवर वाले दूध मिलते हैं इनका इस्तेमाल नहीं करना है। ये है शुगर कट डाउन चैलेंज। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालें। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हम सुबह के वक्त पापा इस्तेमाल करते हैं, रस्क इस्तेमाल करते हैं, डबल रोटी इस्तेमाल करते हैं, क्या है ये सब चीज़ें? मैदे से बनी हुई हैं। आपने शुगर फ्री पापे भी नहीं खाने क्योंकि वो भी मैदे से बने हुए हैं। मैदे की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, उसको रिप्लेस करना है होल व्हीट के आइटम से, चक्की के आटे से, गेहूं के जो अनाज का आटा आता है बेसन का, जौ का, ज्वार का, वो आटे इस्तेमाल करने अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। फलों के जूस नहीं खा पीने तो फल इस्तेमाल करने हैं। चीनी गुड़ शक्कर इन तमाम चीज़ों की जहां ज़रूरत आपको मीठे की पड़ती है वहां रिप्लेस करें स्टीविया से। तो ये शुगर कट डाउन चैलेंज और ये इनके रिप्लेसमेंट्स हैं जो जो मेरे जहन में रिप्लेसमेंट आते जा रहे हैं मैं आपको बताती जा रही हूँ। जौ का जो दलिया जो ओट बेसिकली हम कहते हैं, बेसिकली ओट को जई कहते हैं, उस पर भी हम एक कन्फ्यूजन है, हम इंशाल्लाह ताला इस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो जो ओट्स आप इस्तेमाल करते हैं वो आपने इंस्टेंट इस्तेमाल नहीं करने, काला पीला डब्बा आता है हर घर में मौजूद होता है आजकल, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, उसके अंदर बेइंतहा चीनी है। शुगर कट डाउन चैलेंज आपने करना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। उसके बदले आपने खुला राशन की दुकान से जो खुला दलिया है जिसे कम अज़ कम 8 से 10 घंटे भिगोना पड़ता है वो आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आपने सुपरमार्केट से अगर आप कहीं बाहर मुल्क में रहते हैं तो रोल्ड ओट्स या स्टील कट ओट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो हो गई तमाम चीज़ें। दही फ्लेवर वाली नहीं इस्तेमाल करनी, नॉर्मल जो दही आप घर में जमाते या बाहर से परचेज़ करते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल दो के इन तमाम चीज़ों में मिठास मौजूद है। अब हम एक कन्फ्यूजन की बात करते हैं जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप शुगर कट डाउन करवा रही हैं तो आप हर किस्म की डबल रोटी हर किस्म की रोटी से जो है वो अवॉइड करवा दें। नहीं, समझने की बात है कि चीनी जो है वो दो किस्म की होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है कॉम्प्लेक्स। सिंपल उन तमाम चीज़ों में मौजूद है जो मैंने अभी आपको बंद करवाई है, जितनी भी लिस्ट मैंने अभी आपको बताई है कि डबल रोटी आटे सफ़ेद आटे वाली चीज़ें नहीं खानी है, आपने ड्रिंक्स नहीं पीनी, वो तमाम चीज़ें सिंपल चीनी है, जिस्म में जाती है, घुलती है और फ़ौरन ब्लड में आ जाती है। जो चीज़ें हम खाने को कह रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब को ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, मयाना रवि से इस्तेमाल करें, अतदाल पसंदी से इस्तेमाल करें, चक्की के आटे की रोटी खाएं, फलों का इस्तेमाल करें, इसके अलावा जो है वो दही और दूध का मयाना रवि के साथ इस्तेमाल करें। तो शुगर कट डाउन चैलेंज में आपको सिंपल कार्ब से दोस्ती तोड़नी है, कॉम्प्लेक्स कार्ब से रिश्ता नहीं तोड़ना है। वजह क्या है कि आपकी बॉडी आपकी जिस्म में जो एनर्जी फ्यूल है वो कार्ब से मिलता है बेसिकली आपको। अगर आप कार्ब्स को कट डाउन करेंगे तो आपकी बॉडी मेटाबॉलिक स्विच हो जाएगी। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो मुझे कमेंट में कहते हैं मैडम ये कार्ब बंद कर दें, लो कार्ब पे लेकर आएँ, जीरो कार्ब पे लेकर आएँ। कभी भी कोई चीज़ ज़ीरो नहीं होती, हर चीज़ की एतदाल पसंदी कुरान हमें सिखाता है, इस्लाम हमें सिखाता है, एतदाल पसंदी से रहना है, मयाना रवि इख्तियार करनी है तो खाने में भी हमें मयाना रवि इख्तियार करनी है। जिन चीज़ों में शुगर कुदरती तौर पे मौजूद है और वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब है उसके अंदर रेशा मौजूद है,
वो हमारे जिस्म में जाती है, शुगर आराम आराम से अब्जॉर्ब करती है। अब ये तमाम चीज़ें करने का फ़ायदा क्या होगा? नंबर वन, शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। नंबर टू, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा। कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट में एक चीज़ डॉक्टर हमेशा बताते हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। वज़न जो कि स्टक हुआ हुआ है, अगर बढ़ा हुआ है तो कम होना शुरू हो जाएगा। अगर वज़न शुगर की वजह से कम हुआ है, बैलेंस डाइट पे आ जाए, वज़न नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। नंबर फोर, एनर्जी लेवल अच्छी हो जाएगी, थकन आपकी जो है, एंड दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास, दो लोग पकड़ के आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात शिफा देने वाली है, जब एक बैलेंस डाइट पे आते, जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं हमने तो तमाम चीज़ें बंद कर दी, फल तो हम खाते नहीं, ये तो हम खाते नहीं, जब चीज़ों को बैलेंस में ला के शुरू कराया, दौड़ते हुए वो मेरे पास आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें बताने की हैं, समझाने की हैं कि खुदारा अपनी ज़िंदगी को समझें और अपनी सेहत को समझें। तो क्या फ़ायदा होगा? शुगर कंट्रोल होगी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में आएगा, वज़न कंट्रोल में आएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा, मूड अच्छा होना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशंस वाले जो मूड हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, फटीग और एनर्जी लेवल जो है वो अच्छा एलिवेट होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, इन तमाम चीज़ों से क्या फ़ायदा होगा? स्टेमिना अच्छा होगा, मूड अच्छा होगा, वॉक करने का दिल चाहेगा। जब वॉक करेंगे तो क्या होगा, विशेष सर्कल डेवलप हो जाएगी। वॉक करेंगे, शुगर कंट्रोल में रहेगी, वज़न कंट्रोल में रहेगा, लाइफस्टाइल कंट्रोल में रहेगी। और आप 30 दिन के बाद अपने शुगर का रिजल्ट चेक कीजिएगा, गारंटी से इसलिए कहती हूँ, वैसे तो अल्लाह की ज़ात है, अगर आपने रिलीजियसली फॉलो किया तो गारंटीड रिजल्ट होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस वक्त बहुत कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे होते हैं, तो उनको तो पहले हम अपनी उनकी कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करते हैं। लेकिन ये तमाम बातें उन लोगों के लिए हैं जो अभी डायबिटिक डायग्नोस हुए हैं, या वो लोग हैं जिनकी शुगर कंट्रोल ही नहीं रहती है और ये इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आपने इन सब चीज़ों को फॉलो किया और अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप फ़ौरन से 30 दिन के अंदर जो है अपना रिजल्ट इंशाल्लाह ताला अच्छा देखेंगे। और यकीनन मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मुझे बताइएगा कि किस किस ने आज से स्टार्ट किया है 30 दिन का चैलेंज। अगर आप इस 30 दिन के चैलेंज में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहते हैं कि रोज़ हमें ये गाइड किया जाए, रोज़ हमें कोई पॉपअप मैसेज करके बताता रहे, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। हम आपके साथ इस जिम्मेदारी को लेते हुए 30 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और हम साथ आपकी शुगर को कंट्रोल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।